हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज हमारे घर बनने जा रहे हैं मोमोज, तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ मोमोज की पूरी रेसिपी। और ये मोमोज हैं थोड़े डिफरेंट, इसमें वेजीज के साथ साथ हम यूज़ करने वाले हैं न्यूट्रीला का ज़्यादा यूज़ करेंगे स्टफिंग में। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं मोमोज, बने रहिए मेरे साथ। तो ये न्यूट्रीला है जिसे 3 घंटे से सोख किया था, इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब ये कुछ वेजीज हैं जैसे अनियन, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज एंड बीन्स एंड अदरक लहसुन हरी मिर्ची, इसे भी चॉप करेंगे। सारी वेजीज को भी चॉप करेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसके बाद अनियन डालेंगे, उसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची डालेंगे, उसे भी 5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद सारी वेजीज डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे जब तक वो हाफ कुक्ड हो जाए। फिर न्यूट्रीला जो हमने ग्राइंड करी है उसे डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट, उसे भी अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद सारे ड्राई मसाले डालेंगे जैसे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, देन मिर्ची, धनिया पाउडर, अजीनोमोटो, फ्राइड राइस मसाला। आप कोई और मसाला भी यूज़ कर सकते हैं लाइक मैगी मसाला, गरम मसाला। इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे भी भूनेंगे। उसके बाद आते हैं सॉस, तो इसमें पड़ेगी सॉसेस, सब सोया सॉस। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो हमने अप्रॉक्स सोया सॉस लिया होगा 3 बड़े चम्मच। उसके बाद चिली सॉस, ये भी 2 बड़े चम्मच। उसके बाद विनेगर टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सबको मिक्स करके अच्छे से भूनिए जब तक ये सब आपस में कोट ना हो जाए। बस उसके बाद आपकी स्टफिंग रेडी है। अब बारी डो की, तो मैदे को अच्छे से छान लें। और डो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ही सॉफ्ट, मीडियम होना चाहिए। डो लगाने के बाद उसे गीले कपड़े से कवर कर दें, 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। हमारी चटनी की, चटनी तो सभी घरों में बनती है ग्रीन। हमने दिए हैं 4 टमाटर, उसे थोड़ा रोस्ट किया है। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना एंड नमक, इसे ग्राइंड कर लीजिए। चटनी तैयार है। देन फाइनल प्रोसेस, तो यहाँ पे सारा सामान आ चुका है। गोलियाँ छोटी छोटी बना लें, उसे बेलें, उसके अंदर स्टफिंग भरें। और आप जिस भी बर्तन में मोमोज को पकाएं उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ऑयल से। उसके बाद कुक होने दीजिए। ये मल्टी कढ़ाई है, हम इसी को यूज़ करते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस। और देखिए मोमोज रेडी हैं, तो आ जाइए आप सब।